हाय अनुप्रिया, यू वाचिंग अ विद्यार्थी। आज के सेशन में हम सीखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस, व्हिच इज वन ऑफ माय फेवरेट एंड वेरी इंटरेस्टिंग टेंस। यस, पास्ट परफेक्ट टेंस थोड़ा सा ग्रामेटिकली इसमें अप एंड डाउन राइट्स है, लेकिन जब हम इसके ग्रामर रूल्स सीखेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा इसे समझना। सो लेट्स लर्न दिस। ऑलराइट, ओके। पास्ट परफेक्ट टेंस जो होता है वो सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट में बहुत माइनर सा डिफरेंस होता है। समथिंग विच हैपेंड रिसेंटली इन द पास्ट हमेशा वो सिंपल पास्ट में आ जाता है, लेकिन समथिंग विच हैपेंड मोर अर्लियर थोड़ा और पहले घटा होता है वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे कि आप कैसे उस सिचुएशन को डिफरेंशिएट करके उस सेगमेंट में डाल पाते। दैट इज कम, दैट एक्चुअली कम। इट्स नॉट अबाउट ग्रामर विच आई एम सेइंग, एक्चुअली ग्रामर ये नहीं कहता है, लेकिन एक सेंस होता है जो कि आपको हेल्प करता है ये अंतर करने में कि कौन सा सिचुएशन सिंपल पास्ट में और कौन सा सिचुएशन पास्ट परफेक्ट में आ रहा है। आई वेंट यस्टरडे, मैं कल गई थी वहां पर। सो दैट एक्चुअली हैपेंड रिसेंटली, दो दिन पहले मैं गई थी वहां। आई हैड गॉन देयर टू डेज अर्लियर। तो दिस एक्चुअली हैपेंड थोड़ा और पहले, राइट, दो दिन पहले गई थी। So that is giving me a sense कि ये past perfect tense है, which actually happened in the past and finished in the past more earlier, right? Okay. किसी भी sentence में हम किसके बारे में बात करते हैं, subject के बारे में बात करते हैं, which may be plural or singular. तो plural subject क्या है? We and they है, right? इसी के बारे में हम आगे explain करेंगे। इस टेंस में डेफिनेटली किसी भी सेंटेंस में एक एक्शन वर्ब होता है एंड दूसरा मेन वर्ब सॉरी ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब होता है। सो यहां पर आपका पास्ट परफेक्ट का जो हेल्पिंग वर्ब है वो है हैड। व्हाट इज दैट? हैड, एच ए डी, हैड, राइट। एंड वी अलोंग विद हैड वी यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द एक्शन वर्ब। जो भी उसमें एक्शन हो रहा है उसका हम थर्ड फॉर्म यूज कर रहे हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। सिंपल पास्ट में हम यूज कर रहे थे सेकंड, बट हियर वी आर यूजिंग थर्ड फॉर्म, राइट। एंड रेस्ट ऑफ द पार्ट इज द ऑब्जेक्ट। नाउ अब मैं आपको एक और सिचुएशन देती हूँ जहां पर आप पास्ट परफेक्ट टेंस को बहुत इजीली पहचान सकते हो। दिस एक्चुअली आई गॉट इनकाउंटर्ड। मैंने कुछ सेंटेंसेस प्रैक्टिस किए थे, तब मुझे ये हेल्प मिली थी कि अच्छा ये पास्ट परफेक्ट है एंड ये सिंपल पास्ट। There is a sentence which is a positive sentence. We had delivered the order before they inquired. इस sentence में दो action verb है, वो कौन से है? We had, पहला action जो हो रहा है deliver करने का, order आपको कुछ मिला, किसी product का order मिला जिसे आपने deliver कर दिया। We had delivered the order, right? So पहला action deliver करने का है उस order को। दूसरा action हो रहा है before they inquired, उनकी इंक्वायरी हुई। सो इंक्वायरिंग इज ऑल्सो एक्शन, राइट। लेकिन अब आपको यहां पर ये नहीं समझ में आ रहा है कि यहां पर हैड हम किस वर्ब के साथ लगाए, राइट। सो यहाँ एक बहुत छोटा सा मैं आपको सिचुएशन या एग्जाम्पल दे रही हूँ या फिर एक्सप्लेनेशन बता रही हूँ कि जब कहीं पर दो सिचुएशन हो या दो एक्शन हो रहे हो जिसमें आपको ये अंतर करना है, ये पहचानना है कि पहले क्या काम हुआ था। सो We had delivered the order before they inquired. उनके इंक्वायरी करने के पहले हम ऑर्डर को डिलीवर कर चुके थे। सो पहले क्या काम हुआ था? ऑर्डर को डिलीवर करने का काम हुआ था, इंक्वायरी बाद में हुई थी, राइट। उन्होंने अपनी इंक्वायरी बाद में भेजी। सो जो काम पहले हुआ है, वट एवर टास्क हैज हैपेंड बिफोर, उसके उस एक्शन के पहले हम हैड लगाते हैं। This situation will actually come at a lot of places जब आपको decide करने में difficulty होगी। हमेशा ध्यान रखना कि जो action पहले हो रहा है उसके साथ had लगेगा and जो second जो action हो रहा है वो आपका simple past में आ जाएगा। हाँ जी, आपका एक ही sentence में दो situation हो रही है। So one is simple past and another is past perfect and we had delivered the order before they inquired. This long sentence, I just wrote it here so that आपको समझ में आएगी इस तरीके से भी हम past perfect का यूज करते हैं। Now अब हम intricative sentence देखेंगे कि question कैसे बनाते हैं। यहाँ पर subject के पहले आपका helping verb आ जाता है उस tense का जो कि है had। Had they played cricket? क्या उन्होंने cricket खेला था कभी? So had they played cricket? Here had is coming before subject and then third form of the verb rest of। अब सिंगुलर सब्जेक्ट एग्जांपल्स देखते हैं। ओके,
You had finished the task before I asked. Yes. यहाँ पर भी दो है एक्शन वर्ब्स है. What is that? Finish and ask. Right? लेकिन पहले कौन सा काम हुआ था? You had finished the task. मेरे पूछने से पहले तुम काम कर चुके थे, finish कर चुके थे. Right? So you had किसके पास पहले आएगा? Finish के साथ आएगा. That's why it is considered purely past perfect. You had finished the task before I asked. Right? You had reached the station before the train left. गाड़ी छूटने के पहले ही तुम स्टेशन पहुंच गए थे. So you had reached the station before train left. पहले तुम स्टेशन पहुंचे थे, right? Here. Next is what? I had achieved my target. मैंने अपना target achieve कर लिया था. I had achieved my target. I am not in fear, right? So definitely I'll be given, you know, something as a reward. I had achieved my target. आपका यहाँ पर singular subject है, then it comes had. Now third form of the verb and rest of the part is object. Now comes he. Negative sentence बना रहे. He had, जो कि आपका helping verb है, उसके साथ क्या आता है? Not. He had not. Third form of the verb, eaten dinner. उसने dinner नहीं खाया था, right? He had not eaten dinner. Okay, now अब हम question sentence create करते हैं. कैसे? Which is had she. यहाँ पर आपका singular subject क्या है? She है. So आपका टेंस का जो भी टेंस होता है उसका जो हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा वो सब्जेक्ट के पहले आ जाता है जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं. सो हैड शी अराइव्ड, क्या वो पहुंच चुकी थी या क्या वो पहुंच गई थी? हैड शी अराइव्ड बिफोर द ट्रेन लेफ्ट. एग्जांपल आई हैव गिवन यू, कैन एड इट देयर. हैड शी अराइव्ड बिफोर द ट्रेन लेफ्ट. ओके. It had affected badly on your health. You had taken some medicines, but it didn't go well. वो आपको सूट नहीं की तो आप क्या कह रहे हो? It had affected badly on your health. Few days earlier या कुछ समय पहले आपने कोई medicine ली जो आपको सूट नहीं करी, which is more than earlier, काफी समय पहले हुआ था. That's why you're using had here plus third form of the verb affected badly on your health. Okay, had रमन नॉट रीच्ड एट द वेन्यू. क्या रमन वेन्यू पर नहीं पहुंचा था? हैड रमन नॉट रीच्ड एट द वेन्यू. यहाँ पर आपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस नेगेटिव सेंस में बनाया है. क्वेश्चन पूछा है लेकिन नेगेटिव सेंस में पूछा है. तो हैड आपका सब्जेक्ट के पहले आ रहा है एंड नॉट आ रहा है इसके बाद में. मतलब सब्जेक्ट आपका हैड एंड नॉट के बीच में रहेगा. एंड देन कम्स rest of the part which is including third form of the verb and at the venue which is the object of the sentence. So in this way we have learned कि हमारा past perfect tense में जो helping verb है वो एक ही होता है singular या plural दोनों ही subject के साथ, जो कि had है. और उसके साथ हम क्या use करते हैं? Third form of the verb use करते हैं, right? So go for all these rules, learn it and prepare it on a light way. That's all for now. Bye.